बियर्ड ग्रोथ होने में कितना टाइम लगता है? अगर आप भी आपकी दाढ़ी की ग्रोथ करने के लिए कोई ट्रीटमेंट्स कर रहे हैं, बियर्ड ऑयल लगा रहे हैं, बियर्ड ग्रोथ कैप्सूल्स क्रीम्स लगा रहे हैं, तो आपकी कितने दिन में पूरी परफेक्ट बियर्ड ग्रोथ हो जाती है? आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। हाय गाइस, आई एम अदित, वेलकम टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लिए और साथ में बेल आइकन प्रेस करना ना भूले, जिससे कि जो मेरे आने वाले वीडियोस है उसकी नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए। मेरे यूट्यूब चैनल पर सुपर थैंक्स का ऑप्शंस अवेलेबल है, आप जाकर मुझे सुपर थैंक्स बोल सकते हैं। तो आप में से ऐसे बहुत से लोग हैं जो बीएड के लिए ट्रीटमेंट्स करते हैं, दाढ़ी को उगाने के लिए, बीएड की ग्रोथ करने के लिए कुछ ना कुछ जरूर लगाते हैं, चाहे भला वो कुछ भी चीज़ हो, लेकिन वो कंटिन्यू लंबे समय तक यूज़ करते हैं, इसके बावजूद भी उनकी बीएड पर रिजल्ट नहीं आता, दाढ़ी की ग्रोथ नहीं होती है। तो आप ऐसे कैसे पता कर सकते हैं कि ये ट्रीटमेंट सक्सेसफुल है या फिर नहीं है? तो आपको एग्जैक्टली डे पता होना चाहिए कि हमारी इतने दिन में बियर्ड ग्रोथ इससे हो सकती है या फिर नहीं हो सकती है, हमने इसको इतना दिन यूज़ करना है, अगर वाकई में ये सक्सेसफुल ट्रीटमेंट है, अच्छा ट्रीटमेंट है, तो इससे रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। तो कितने दिन होते एग्जैक्टली, तो मैं आपको एग्जैक्टली डे बताना चाहता हूँ कि 3 से 4 महीने के बीच में आपकी बियर्ड ग्रोथ हो जाती है। यानी अगर आप डे में डिवाइड करेंगे तो 100 डेज यानी 100 दिन में कोई सा भी ट्रीटमेंट हो वो सक्सेसफुल रिजल्ट दे देता है, अगर आपकी बियर्ड पर वो इफेक्ट कर रहा है तो। अदरवाइज अगर वो इफेक्ट नहीं कर रहा है तो आप उसको बोला 6 महीने यूज़ करें, 1 साल यूज़ करें, 5 साल यूज़ करें, तो उसका कोई फ़ायदा आपको नहीं होता। अगर जो सक्सेसफुल ट्रीटमेंट्स है, चाहे वो बियर्ड ऑयल हो, बियर्ड ग्रोथ कैप्सूल्स हो, क्रीम्स हो, होम ट्रीटमेंट्स हो या अदर कोई ट्रीटमेंट्स हो, अगर आप उसको बियर्ड पर 100 दिन यूज़ करते हो, 100 दिन लगाते हो, तो आपकी बियर्ड की जितनी ग्रोथ होनी होती है, चाहे वाला वो पैची बियर्ड आपकी आ रही हो या फिर जेनेस्टिक प्रॉब्लम्स के लिए अलग अलग बियर्ड की जो सेप रहती है वो आ रही हो, या फिर आपकी फुल बियर्ड ग्रोथ हो रही हो, या फिर बियर्ड की सिर्फ फुल हो रही हो, तो आपके 100 दिन में पूरी प्रॉपर बियर्ड ग्रोथ के हेयर्स ग्रोथ कर देते हैं, यानी प्रॉपर बियर्ड ग्रोथ हो जाती है। अदरवाइज अगर 100 डेज में आपकी बियर्ड ग्रोथ नहीं हो रही तो वो ट्रीटमेंट्स आप पर वर्क नहीं कर रहा है, आप दूसरा ट्रीटमेंट्स यूज़ कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आप ट्रीटमेंट्स कितने दिन तक कर सकते हो और बियर्ड आने के कितने, यानी बियर्ड आने के साइड डेज क्या होते हैं, कितने दिन में बियर्ड ग्रोथ हो जाती है। तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो, सी यू अगेन।